This lecture we will talk about the mineral nutrition. What is mineral nutrition? Mineral nutrition is the relationship between plants and all the chemical elements in the environment. एक relationship होता है plants का और chemical elements जितने भी present होते हैं इस environment में उनके बीच की relationship को बोलते हैं mineral nutrition. Then method to study the mineral requirement of the plants. कौन कौन से method study किए गए थे कि कौन कौन से mineral nutrition जो होते हैं वो plants के लिए essential होते हैं. In 19th century, Julius von Zach grew the plant with their root immersed in the nutrient solution containing inorganic salt. Julius von Zach ने सबसे पहले जूलियस वॉन शैक ने प्लांट की ग्रोथ कराई थी. प्लांट की ग्रोथ कराई थी किसमें? सॉइल की एब्सेंट में. सॉइल एब्सेंट था, इन्होंने प्लांट की ग्रोथ कराई थी न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में. सॉइल के एब्सेंट में इन्होंने प्लांट की ग्रोथ कराई थी किसमें? न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में प्लांट की ग्रोथ कराई थी. इस टेक्निक को जिन्होंने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में प्लांट की ग्रोथ कराई थी और प्लांट सक्सेसफुली ग्रो भी कर रहा था. क्यों? क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन था प्लांट के लिए जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो इन्होंने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में प्रोवाइड किया था, इसीलिए प्लांट जो है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ग्रो कर रहा था. इसी टेक्निक को बोलते हैं जो इन्होंने प्लांट की ग्रोथ कराई थी न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के प्रेजेंट में, सॉइल की एब्सेंट में. इस टेक्निक को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक टेक्निक. This technique is known as hydroponic technique. Then essential mineral elements. कौन कौन से essential mineral elements होते हैं जो कि plant के लिए requirement होते हैं? An essential element is the one which has specific structure and physiological role and without which plant cannot complete their life cycle. ऐसे element जिनके बिना प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाते और बहुत ज़्यादा वो एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स के लिए, उन्हें कहते हैं एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स. डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर नोइंग द एसेंसिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर आल्सो फॉलो. और ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं इसके बारे में पहले पढ़ते हैं. द एलिमेंट्स मस्ट बी एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स. जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते प्लांट्स में वो क्या करते? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते ग्रोथ में और रिप्रोडक्शन में. Then the element must be directly involved in the nutrition of the plants. It must be either a component of organic molecule or participate in the biochemical reaction. ये जो elements होते हैं directly क्या होते हैं plants से connected होते हैं और बहुत important role play करते हैं organic component होते हैं organic molecule के और chemical reaction में भी help करते हैं.
then requirement of the particular element must be specific. It cannot be replaced by any other element. Suppose करते हैं अगर कार्बन की कमी हो गई प्लांट्स के अंदर, तो इसकी जगह अगर हम प्लांट्स को फॉस्फोरस प्रोवाइड करा देते हैं, तो ये जो कार्बन काम कर रहा था प्लांट के अंदर, वो फॉस्फोरस उस एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाएगा. तो जो एक एलिमेंट एक्टिविटी परफॉर्म करता है, वो दूसरा एलिमेंट क्या करता है, उसकी जगह को नहीं ले सकता, मतलब उसकी इम्पोर्टेंस को वो कंप्लीट नहीं कर सकता है. मीन्स हर एक एलिमेंट की अपनी एक क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, अपनी अलग अलग एक्टिविटी को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं. देयर आर 17 एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड टू बी एसेंशियल. 17 एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होते हैं. और वो 17 एलिमेंट्स है कौन कौन से, सी एच ओ एन पी के एस एम जी सी ए एफ ई बी एम एन सी यू जेड एन एम ओ सी एल एंड एन आई. ये 17 एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट के लिए क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होते हैं. उसके बाद एलिमेंट के बेस्ड पे क्लासिफाई किया गया है टू कैटेगरीज में. फर्स्ट इज मैक्रो एलिमेंट, इसे मैक्रो न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है. एंड सेकेंड इज माइक्रो एलिमेंट्स, which is also known as micronutrients. Macro means large and micro means small. ऐसे element जो plant के लिए large quantity में उनकी जरूरत होती है, उस element को बोलते हैं macro elements या macronutrients. और ऐसे element जो plant के लिए स्मॉल अमाउंट में उनकी जरूरत पड़ती है, उस एलिमेंट को कहते हैं माइक्रो एलिमेंट या माइक्रो न्यूट्रिएंट. मैक्रो एलिमेंट आर यूजली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और डेवलपमेंट ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल के डेवलपमेंट में हेल्प करते हो. ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करते हैं कौन, माइक्रो एलिमेंट्स. अब माइक्रो एलिमेंट्स होते कितने हैं, 9 होते. कितने होते हैं, 9 होते. 9 कौन कौन से, सी एच ओ एन पी के एस एम जी एंड सी ए. ये 9 मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. नीट में यही पूछा जाता है कि मैक्रो एलिमेंट कौन सा है और माइक्रो एलिमेंट्स कौन सा है, उनका फंक्शन क्या होता है, उनकी कमी से क्या होता है. इतना ज़्यादा पूछा था नीट में, उससे ज़्यादा नहीं पूछा था. उसके बाद माइक्रो एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, 8 होते हैं. मैक्रो एलिमेंट 9 होते हैं और माइक्रो एलिमेंट कितने होते हैं, 8 होते हैं. अब 8 कौन कौन से होते हैं, एफ ई जेड एन एम एन बी सी यू एम ओ सी एल एंड एन आई. ये सारे क्या है, 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं और 9 क्या होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं. ये 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बाकी ये माइक्रोन्यूट्रिएंट जो 8 होते हैं, ये भी प्लांट के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं. उसके बाद स्टडी करेंगे हम हर एक एलिमेंट के फंक्शन और उनके डिफिशियंसी सिम्टम्स के बारे में. वन बाय वन एक एक एलिमेंट के बारे में स्टडी करते हैं. पहला है कार्बन,
hydrogen and oxygen. ये तीनों element कौन सा function perform करते हैं? ये तीनों element क्या होते हैं? बहुत important होते हैं, structure framework provide करते हैं. प्लाज्मिक में हेल्प करते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह ऐड करते हैं. इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन कौन से फेस पे करते हैं, कहां कहां पे? रेस्पिरेशन के समय और स्टोरेज ऑफ द फूड, फूड को भी स्टोर करने में हेल्प करते हैं और भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट, अगर इस एलिमेंट की कमी हो जाती है तो क्या होगा? डिफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होंगे? नॉर्मल ग्रोथ कैन नॉट अकर एज दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी. जो नॉर्मल ग्रोथ होती है प्लांट में वो स्टॉप हो जाएगी. क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, बहुत ही, ये क्या किस में आते हैं? ये आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट में, तो बहुत एसेंशियल होते हैं प्लांट्स में. अगर इनकी कमी हो जाती है तो प्लांट का स्ट्रक्चर प्रॉपरली फॉर्म नहीं होता है. नेक्स्ट एलिमेंट इज नाइट्रोजन. रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में हेल्प करता है. प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है. न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में हेल्प करता है नाइट्रोजन. विटामिन्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है. हार्मोन्स में भी हेल्प करता है उसकी सिंथेसिस में. और को एंजाइम एंड क्लोरोफिल. अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, फ्लावरिंग का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा लेट होता है, क्लोरोसिस हो जाता है. क्लोरोसिस का मतलब जब क्लोरोफिल लॉस हो जाता है उसे कहते हैं क्लोरोसिस. प्लांट की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, लेट फ्लावरिंग होता है, फ्लावर का फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा लेट होता है, क्लोरोसिस हो जाता है. पत्तियां जल्दी ओल्ड दिखाई देने लगती. क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल क्या होता है, लॉस हो जाता है, उसी को कहते हैं क्लोरोसिस. प्रीमैच्योर लीफ फॉल, बहुत ही जल्दी मैच्योर होने से पहले ही पत्तियां झड़ने लगती हैं. ये सारे क्या है, डिफिशियंसी सिम्टम्स है. नेक्स्ट एलिमेंट इज फॉस्फोरस. नेक्स्ट एलिमेंट इज फॉस्फोरस. रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, फॉस्फोलिपिड, एटीपी, एनएडी एंड एनएडीपी. ये किसकी सिंथेसिस में हेल्प करता है, न्यूक्लिक एसिड एंड फॉस्फोलिपिड, एटीपी, एनएडी एंड एनएडीपी की सिंथेसिस में हेल्प करता है. कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड द सम प्रोटीन. और सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और सम प्रोटीन, कुछ प्रोटीन के भी फॉर्मेशन में फॉस्फोरस क्या करता है, हेल्प करता है.
Then what is the deficiency symptom? Deficiency symptoms is poor growth of essential of the roots. Phosphorus की कमी से क्या होता है? Root properly grow नहीं कर पाता है. Leaf appear dull और leaf जो होती पत्तियाँ जो होती हैं वो excess green color की हो जाती हैं और premature leaf fall भी होने लगता है और flowering का formation बहुत ज़्यादा late होता है. किसकी कमी से? Phosphorus की कमी से. नेक्स्ट एलिमेंट इज पोटेशियम. पोटेशियम एक्टिवेट अबाउट 40 एंजाइम. ये क्या करता है? एंजाइम को एक्टिवेट करता है. पोटेशियम क्या करता है? एंजाइम को एक्टिवेट करता है. एंड एसोसिएटेड विद के प्लस एन ए प्लस पंप इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट अमाइनो एनायन कैटायन बैलेंस इन द सेल. और एनायन और कैटायन के बैलेंस को भी मेंटेन करता है. एनायन एनायन और कैटायन के बैलेंस को क्या करता है? मेंटेन करता है. और क्या करता है? पोटेशियम ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है. किसके? स्टोमाटा की. और क्या करता है? पोटेशियम क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द स्टोमाटा. स्टोमाटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. पोटेशियम की डिफिशियंसी से क्या होता है? प्लांट की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है और जो लीफ होती हैं वो येलो कलर की हो जाती हैं. और क्या होता है? पत्तियों प्रीमेच्योर डेथ, प्लांट की प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है. Then next element is calcium. Calcium, calcium कहाँ पर present होता है? Calcium pectate present होता है किसमें? Middle lamina में. Cell wall जो middle lamina की होती है वो calcium से मिलकर बनी हुई होती है. Activate the enzyme. Calcium क्या करता है? Enzyme को activate करता है. Growth of root, root की growth में help करता है. Shoot की growth में help करता है. Cell division में help करता है. सेल के एनलार्जमेंट में हेल्प करता है. और कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसपोर्ट में भी कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देन अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो प्लांट्स में क्या होता है? क्लोरोसिस ऑफ द यंग लीफ. जो यंग लीफ हो जाती हैं वो क्या होता है? उसमें से क्लोरोफिल लॉस हो जाता है. देन डीजनरेशन ऑफ मेरिस्टम. मेरिस्टम क्या होता है? डीजनरेट हो जाता है. नेक्रोसिस भी हो जाता है. नेक्रोसिस का मतलब होता है टिश्यू की डेथ हो जाना. डेथ ऑफ द टिश्यू इज नोन एज नेक्रोसिस. क्या क्या हो जाता है? क्लोरोसिस,
necrosis, and degeneration of meristem. Then next element is magnesium. फोर पार्ट ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ये क्या करता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. एंजाइम को एक्टिवेट करता है. फैट एंड कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है. और राइबोसोम के फॉर्मेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देन मैग्नीशियम की डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या होते हैं, क्लोरोसिस हो जाता है और पिगमेंटेशन, प्लांट के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो पर्पल कलर के दिखाई देने लगते हैं और प्लांट की ग्रोथ जो होती है मतलब उसकी लाइफ साइकिल जो होती है, लाइफ स्पैन जो होता है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है मैग्नीशियम की कमी की वजह से. और प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाती है वो भी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है. देन नेक्स्ट एलिमेंट इज सल्फर. सल्फर सल्फर क्या करता है, अमाइनो एसिड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. और कौन कौन से अमाइनो एसिड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, दैट इज सिस्टीन एंड मेथियोनीन. ये दोनों अमाइनो एसिड के फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, सल्फर हेल्प करता है. देन प्रेजेंट होता है किसमें, कोएंजाइम ए, विटामिन्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है सल्फर. रूट के डेवलपमेंट को इंक्रीज करता है और नोड्यूल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है. देन डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ सल्फर इज क्लोरोसिस लाइक इन नाइट्रोजन, डिफिशियंस प्लांट, प्लांट की ग्रोथ भी स्टॉप हो जाती है, लीफ जो होती हैं वो थोड़ी सी कर्ल शेप की हो जाती हैं, लेस जूसी विद कंटेन इन द सिट्रस फूड. सल्फर की कमी की वजह से जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जितनी भी खट्टे मतलब जिनके अंदर ऐसे फ्रूट्स जिनमें सिट्रस प्रेजेंट होता है उनके जो जूसी होते हैं मतलब जो जूस प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर वो क्या हो जाते हैं, उनका अमाउंट लेस हो जाता है. रिड्यूस द नोड्यूल फॉर्मेशन, सल्फर की कमी की वजह से नोड्यूल भी नोड्यूल का फॉर्मेशन भी डिक्रीज हो जाता है, सही से नहीं होता है. Then next element is iron. Iron needed for the synthesis of chloroplast protein. Chloroplast की synthesis में बहुत important role play करता है iron. और carotenoid की synthesis में help करता है, chlorophyll की synthesis में help करता है, pyridoxin और cytochrome में भी बहुत important role play करता है, enzyme को भी activate करता है और catalyst की तरह भी act करता है.
देन डिफिशियंसी सिम्टम्स क्लोरोसिस कॉज जाते हैं यंग लीफ में, और क्या हो जाता है सिंगल लीफ और द ब्रांच ड्यू टू द लिमिटेड मोलैरिटी, और जो लीफ होती है उनका फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाता है, ब्रांचेस का भी फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इज मैग्नीज, एक्टिवेट द एंजाइम फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के एंजाइम को एक्टिवेट करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ऑक्सीजन के इन्वॉल्वमेंट में हेल्प करता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइकिल में इन्वॉल्व होता है, अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डीकार्बोक्सीलेशन रिएक्शन में हेल्प करता है, किस समय रेस्पिरेशन के समय। नेक्स्ट डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ मैग्नीज इज लीफ फ्रैक्लिंग एंड द ग्रे स्पॉट ड्यू टू द क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस ऑफ द इंटरवेनियल जोन। मैग्नीज की कमी की वजह से क्या होता है, लीफ का सही से फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, क्लोरोसिस और नेक्रोसिस रहता है, जिसकी वजह से मैग्नीज की कमी की वजह से जो लीफ होती हैं उसमें ग्रे स्पॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। कौन से स्पॉट का? ग्रे स्पॉट। देन कॉज द ग्रे स्पॉट ऑफ द ओट्स एंड द मार्स स्पॉट डिजीज ऑफ द पी। ओट्स में कौन सी डिजीज हो जाती है? ग्रे स्पॉट ऑफ द ओट्स, ये डिजीज हो जाती है, और पी में कौन सी डिजीज होती है? मार्स स्पॉट डिजीज इन द पी। पी में कौन सी डिजीज होती है? मार्स स्पॉट डिजीज पी में कॉज जाता है। नेक्स्ट एलिमेंट इज मॉलीबेडनम, मॉलीबेडनम रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए। एक्टिवेट द एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम को कौन एक्टिवेट करता है? मॉलीबेडनम एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट डिफिशियंसी सिम्टम्स इज क्लोरोसिस नेक्रोसिस एंड द और फ्लावर का फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है, फॉर्मेशन नहीं होता फ्लावर्स का, और जो कॉलीफ्लावर होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं उसका भी फॉर्मेशन सही से नहीं होता, प्रॉपर शेप का मतलब प्रॉपर शेप में जो है कॉलीफ्लावर जो है फॉर्म नहीं हो पाता है, किसकी कमी की वजह से? मॉलीबेडनम की डिफिशियंसी से। देन नेक्स्ट एलिमेंट इज बोरॉन, बोरॉन क्या करता है? बोरॉन इंक्रीज द अपटेक ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के अमाउंट को इंक्रीज कर देता है, इसेंशियल फॉर द मेरिस्टम एक्टिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ में हेल्प करता है,
ये क्या करता है, पहला इंक्रीज द अपटेक ऑफ कैल्शियम, देन बहुत इसेंशियल होता है किसके लिए, मेरिस्टेम की एक्टिविटी के लिए, और क्या करता है पॉलन की ग्रोथ में हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, पेक्टिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये सारे रोल कौन परफॉर्म करता है, बोरॉन परफॉर्म करता है। देन डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या होते हैं, डेथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट एपिक्स, इसकी कमी की वजह से स्टेम की डेथ हो जाती है एंड रूट एपिक्स का भी सही से फॉर्मेशन नहीं होता, उसकी भी डेथ हो जाती है। एपिकल डोमिनेंस मींस इसकी कमी की वजह से प्लांट जो है ग्रो नहीं कर पाते सही से, और रिड्यूस द फ्लावर प्रोडक्शन, फ्लावर का भी सही से प्रोडक्शन नहीं होता है। कौन सी एलिमेंट की डिफिशियंसी की वजह से, बोरॉन। नेक्स्ट इज कॉपर, कंपोनेंट ऑफ द ऑक्सीडेज एंजाइम एंड द आरयूबीपी कार्बोक्सीलेज, ये किसका कंपोनेंट होता है, इसमें कंपोनेंट की तरह एक्ट करता है ऑक्सीडेज एंजाइम में और आरयूबीपी कार्बोक्सीलेज में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। देन डिफिशियंसी सिम्टम्स इज रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2, कॉपर की कमी की वजह से CO2 प्लांट सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। एंड कौन सी डिजीज आती है सूट में, डाइबैक डिजीज कॉज जाती है किसमें, सूट में, और नेक्रोसिस जाता है टिप ऑफ द यंग लीफ जो जाती है उसमें नेक्रोसिस जाता है, उनकी टिश्यू जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। नेक्स्ट एलिमेंट इज जिंक, कंपोनेंट ऑफ द IAA, इंडोल एसिटिक एसिड का कंपोनेंट होता है, किसका कंपोनेंट होता है, IAA का कंपोनेंट होता है जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। देन एक्टिवेट द डीहाइड्रोजिनेज एंड कार्बोक्सीलेज, और कौन कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है, डीहाइड्रोजिनेज एंड कार्बोक्सीलेज। प्रेजेंट इन द एंजाइम, कौन से एंजाइम में प्रेजेंट होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, जिंक प्रेजेंट होता है। देन डिफिशियंसी सिम्टम्स, लिटिल लीफ एंड द मोटल लीफ कंडीशन, पत्तियां जो होती बहुत छोटी छोटी होती, इनका फॉर्मेशन बहुत स्मॉल होता है एंड कॉज द विस्प टिप ऑफ द मेज, मेज में कौन सी डिजीज कॉज जाती है, विस्प टिप ऑफ मेज एंड सिकल लीफ ऑफ कोका, कोका प्लांट की जो लीफ हो जाती है वो किस शेप की हो जाती है, सिकल शेप की हो जाती है, कौन सी एलिमेंट की डिफिशियंसी की वजह से, जिंक। नेक्स्ट इज क्लोरीन, क्लोरीन इज एसेंशियल फॉर CO2 O2 इवोलेशन, क्लोरीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, O2 के इवोलेशन के लिए। देन सेल में एनायन और कैटायन के बैलेंस को क्या करता है, मेंटेन करता है। डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ क्लोरीन इज
रोज कलर इन द लीफ, लीफ का कलर किस शेप हो जाता है, मतलब किस कलर का हो जाता है इनका, रोज कलर की लीफ का फॉर्मेशन होने लगता है। देन क्लोरोसिस एंड निक्रोसिस भी जाता है, फ्लावर का फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट एलिमेंट इज निकल। मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिया, निकल क्या करता है, किसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, यूरिया के। डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ निकल इज लीफ टिप निक्रोसिस, लीफ की टिप में क्या कॉज हो जाता है, निक्रोसिस। ये थे सारे एलिमेंट्स और उनका फंक्शन और उनकी डिफिशियंसी सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, ये सब कुछ नीट में पूछा जाता है। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।